Hi, नमगेनो हे बेब्स हाय विकी आज कितनों को घायल किया। हाँ, आज रितु ने कमाल कर दिया। सुनिए ध्यान से, आज कॉलेज के चार लड़के घायल, वो भी एक साथ, इंजर्ड दिल से। कांग्रेचुलेशंस। और आज का रितु तुम्हारा स्कोर है 16। अभी भी प्रियंका से 3 कम। विकी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? यार रितु, तुम्हारा अगला शिकार कौन होगा? नेकलाइन छोटी होगी या फिर हेमलाइन? और तुम कहना क्या चाहती हो? तुम उस स्टूपिड सेक्सुअल जोक से लड़कों को क्या दिखाना चाहती हो? और इस खुले बटन से तुम उसे उकसाना चाहती हो, राइट? तुम चाहती हो कि वो तुम्हें सेक्स गॉडेस माने। ओह, फिर अब तुम कहोगी कि विकी तुम मॉरल पुलिसिंग क्यों कर रहे हो? मैं कोई मॉरल पुलिसिंग नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। पर यू शुड अंडरस्टैंड दैट यू आर फकिंग इरेस्पॉन्सिबल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें करते हुए। वो दिन दूर नहीं होगा जब कोई लड़का तुम्हारा रेप कर देगा, ये खुले दो बटन। सोचो, कोई लड़का जो पूरी तरह फ्रस्ट्रेटेड है, जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मन बहलाने के लिए उसकी उसके पास कहीं जाने को नहीं है, पार्टीज पर वो नहीं जाता है, और अचानक तुम उसके सामने खड़ी हो जाती हो, ओ द सो कॉल्ड सेक्स गॉडेस। उस दिन तुम्हारा रेप होगा, तुम पुलिस कंप्लेंट करोगी, एंड माइंड यू कौन नहीं आएगा, तुम आते। आकाश, मैं दुनिया की बातों पे नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि तुमने फैसला क्यों लिया। अरे मैं तो समझता था कि तुम दुनिया के सबसे व्रत बिजनेसमैन हो, जिसके दिल में प्यार तो है लेकिन पारवार नहीं। आज तुमने गलत साबित कर दिया। आकाश, मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूं या तुम्हारे अंदर काम करने वाला कोई कमजोर एम्प्लॉय जो तुम्हारे हर सही और हर गलत में हा में हा मिलाता हो? आकाश, तुम ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। I want answer. अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ यार, मगर एक बात ध्यान में रखना कि आइंदा फिर कभी अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। मैंने कहा जाओ, गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। ऐसे आदमी को रुक नहीं चाहिए। He is dangerous, Dad. Yes, he is dangerous. देखिए वो क्या करके चला गया। And I've just recently moved to Bombay to pursue acting. तुम्हारा नाम मैंने अपने जिस्म पर ही नहीं, अपने दिल, अपने दिमाग और अपनी आत्मा पर काट दिया है। तुम्हें प्यार करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, तुम भी नहीं। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए सनम चाहिए, आशिकी के लिए ओ बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। मेरा नाम नीना है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ। मैंने बचपन से अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी, अपनी मर्जी से पढ़ाई की, अपनी मर्जी से जॉब्स किए, मेरी कॉल सेंटर की जॉब भी उसी में से थी। पर उस वक्त ये नहीं पता था कि इस जॉब के दौरान मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होंगे जो मेरी दुनिया बदल देंगे। दिशा के केस के वक्त सब कुछ इतना अचानक हुआ कि पता ही नहीं चला कि कब निखिल ने मुझे अपनी टीम में ले लिया। यहाँ पर मेरी मुलाकात नचिकेत, निखिल और निमय सर से। मेरी सगाई तरुण से तय हो गई थी। अच्छा, इसमें कोई मंजूर नहीं थी।
तरुण के डेथ के बाद, तरुण के डेथ के बाद मैं अब निखिल करीब होना शुरू और हमारे प्यार की शुरुआत। पर इस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा आदमी था जो मुझे कभी समझ नहीं आया, निमाय सर। पता नहीं वो क्यों सबसे इतना उखड़े उखड़े रहते थे, पर मेरे साथ वो एक इतने प्रोटेक्टिव रहते थे, मुझे हर खतरे से आगाह करते थे, मुझे बचाने की कोशिश करते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगा था कि पता नहीं कुछ तो है उनके साथ। What are you doing? मेरी फोटोज मत खींचो। I hate being photographed. क्यों? क्योंकि खराब लगती है मेरे को। ना और यार, अच्छी लगोगी। ऐसा मान जाएगा। तुम मेरी कॉलेज से नहीं हो ना? Not as much. बड़ी बड़ी लगती हो सबसे। Thanks. सिर्फ थोड़ी है। Anyway, तो इस पार्टी में क्या कर रही हो? हॉस्टल की लड़कियों के साथ आई थी। उसका नेम डेबी। वो ऑर्गेनाइजर है ना पार्टी की? Wait a minute. तो डेबी के साथ आई हो? उसे मेरे साथ देख लिया तो? What's wrong with you? कुछ नहीं, पागल है ये डेबी। सॉरी बेबी, मुझे जाना होगा।